अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए एक नई मज़ेदार सी वीडियो लेकर आई हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं मुबारकी हलवा। तो नाज़रीन, मैं आपको बताती हूँ कि मुबारकी हलवा के लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए। इसके लिए हमें चाहिए तकरीबन दूध जो है वो 3 किलो हमने लेना है। 3 किलो को हमने उबाल के 3 किलो का 1 किलो रह जाए। और इसके साथ हमें तकरीबन सूजी चाहिए 2 कप और चीनी जो है हमने ली है तकरीबन 3 कप। और इसके साथ पानी जो है हमने शीरे के लिए, यानी चीनी और पानी को हमने शीरा बनाने के लिए हमें ये पानी चाहिए तकरीबन 2 गिलास। और तेल जो है वो हम लेंगे 1 कप। साथ में जो है गार्निश के लिए काजू, किशमिश और बादाम लेंगे। और साथ में हम खोया जो है वो हमें चाहिए तकरीबन 1 पाव, ही घर का बना हुआ हमारा खोया। तो चलिए शुरू करते हैं। हमने एक बेसकी में तकरीबन 2 गिलास पानी लिया है और इसमें हम चीनी जो है 3 कप डाल देंगे। ये हमारा एक तरफ जो है वो शीरा बनता रहेगा और दूसरी तरफ हम जो है वो हलवा बनाना स्टार्ट करते हैं। दूसरी कढ़ाई में हम जो है वो तेल लेंगे। तकरीबन मैंने आपको बताया था कि 1 कप तेल जो है वो हम ले लेंगे। और इसमें जो है हम सूजी डालेंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे। हम अपनी अम्मी की हेल्प से आपको ये सूजी का हलवा बनाना सिखा रहे हैं। ये हमने ऑयल में सूजी डाल दी, अब हम इसकी भुनाई करेंगे। जी तो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं कि हमारी सूजी जो है वो तकरीबन हो चुकी है। अब हम फ्लेम थोड़ी सी मज़ीद शो करके इसमें जो हमारे वो शीरा रेडी किया था वो हम इसमें ऐड करेंगे। धीरे से आराम से हमने इसमें ऐड करना है, स्लोली स्लोली, क्योंकि इसकी छिलके भी पकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके हमने इसमें शीरा ऐड करते हैं। देख रही है इसकी कैसी शेप होती है। इसे इसमें आपने मुसलसल चमचा हिलाते रहना है ताकि इसके अंदर गुठलियाँ ना बने, क्योंकि मोस्टली ये होता है कि जब पानी इसमें ऐड किया जाता है तो इसमें गुठलियाँ बन जाती हैं। हमने वो गुठलियाँ नहीं बनने देंगे। को हमने डाल दिया, ये देख रहे हैं आप कि कैसी शेप होनी चाहिए, इसमें गुठलियाँ नहीं बननी चाहिए। अब हम इसमें ये जो दूध था 3 किलो का, 1 किलो रह गया था, इसे हम इसमें ऐड करते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमें अपने कमेंट्स में भी बताइएगा कि आपको ये हलवा कैसा लगा। और अगर आपको ये घर का बना हुआ खोया चाहिए, आप ही चाहते हैं कि हम घर पे ये खोया बना सकें, तो हमें अपने कमेंट्स में हमें बताइएगा, अपनी राय का ज़रूर इजहार कीजिएगा। जितने ज़्यादा कमेंट्स होंगे उतने ज़्यादा हमारे पास आपका आंसर होगा।
दूध डालने के बाद हमने इसमें खोया भी शामिल कर दिया है, जिससे इसकी शक्ल कुछ इस तरह हो जाएगी। थोड़ा मेहनत तलब काम है, लेकिन चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। हमने इसकी तकरीबन 1 से 1.5 घंटा इसकी भुनाई की है और इसने अपने साइडों पे ऑयल छोड़ दिया है। ये देखिए, ये इसने ऑयल छोड़ दिया है। जब सूजी ऑयल छोड़ने लगे तो इसका मतलब है कि हमारी सूजी जो हलवा है वो रेडी हो चुका है। ये देखिए, ये कितना इसने ऑयल छोड़ दिया है। जब जब आप इस हलवे को निकालेंगे किसी बर्तन में तो ये जो ऑयल है ये सेपरेट कर लेंगे, ये फिर से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। अब हम फ्लेम को बंद कर देंगे और एक बाउल में इस हलवे को निकाल लेंगे गार्निश के लिए। कितना मज़ेदार हलवा लग रहा है। सारा जितना भी ऑयल है वो एक तरफ लग गया। ये देखिए, अब हम इसे गार्निश करेंगे। इसमें हम ऊपर से किशमिश डालेंगे। आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं, जितने चाहें अपनी मर्जी से। इसमें हम काजू डालेंगे। ये थे काजू। काजू डालें, इसके बाद हम ये बादाम डालेंगे। आप चाहें तो इस पर अखरोट भी डाल सकते हैं, आप खोपरा भी डाल सकते हैं, जितनी मर्जी अपनी चॉइस के हिसाब से आप जो जो ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो जी, ये हमारा मुबारकी हलवा तैयार हो चुका है। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा कि आपको ये हलवा कैसा लगा।